खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से खास बातचीत कर रहे हैं जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा, उन्हें सुनते हैं। और इस जन सुनवाई का उद्देश्य भी यही है कि जिनको सचिवालय जाने में जिनकी परेशानी होती है वहाँ जाके अपनी परिवेदना या अपनी शिकायत वो नहीं कर सकते दर्ज, तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हर रोज एक मंत्री बैठेगा और सभी विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेगा। जो अपने विभाग की समस्याएं हैं वो तो हम दूर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अन्य विभागों की समस्याएं हैं उनको हम उनको भेजेंगे और एक इसका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ पार्टी की तरफ से, तो जो आदमी फरियाद लेके यहाँ आता है उसको वापस जवाब भी मिलता है कि हम आप इस समस्या के लिए आप आए थे, हमने इसमें पता किया है, ये आपका काम हो गया है या अगर ये कारण से ये नहीं हो पाएगा, तो आम आदमी संतुष्ट होता है। और ये जनादेश जब हमको मिला है तो जनता के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है, हम कर रहे हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में वो लोग आए, चाहे विद्यार्थी मित्र हो, चाहे बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि हो, कोई सरकारी नौकरी के नियमितीकरण की बात हो या बरसों से जो अटके हुए मसले हैं उनको सॉल्व आउट कराने की बात हो। देखिए, मैंने मेरी कोशिश की है कि जो भावना उन्होंने व्यक्त की है और जो उनकी समस्या है उस समस्या पे सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ये मैंने उनको बताया है। आज कई चीज़ें पाइपलाइन में है, कई चीज़ों का समाधान मैंने निकाल दिया। आपने देखा होगा यहाँ पे नर्सिंग भर्ती 2018 की हमने की, 15,500 चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, चाहे नर्सिंग के हों, जीएनएम के हों, एएनएम के हों, वो भर्ती की प्रक्रिया जो मैंने कहा था कि दिसंबर तक हम पूरी कर देंगे वो पूरी हो गई, उसका धन्यवाद देने भी लोग आए हैं। तो सरकार काम कर रही है। अभी हम 737 डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं, एक महीना डेढ़ महीना लगेगा, राजस्थान में डॉक्टर्स की भी कमी नहीं रहेगी। इसी तरह से संविदा कर्मियों के बारे में या 2013 की भर्ती के बारे में राज्य सरकार ने कमेटियां बनाई है, उन कमेटियों की मीटिंगें बराबर चल रही है। अब जो चीज़ पाइपलाइन में है एक एक बिंदु पर जो भी उन्होंने बिंदु हमारे सामने रखे हैं हम जनता के भावनाओं को समझते हुए कदम उठा रहे हैं। कोटा के बाद अब कितनी मुस्तैदी के साथ चिकित्सा विभाग काम कर रहा है, क्या लगता है कि अब इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर क्या सबसे बड़ी कवायद? भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति करने की कोशिश की, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सवाल ये नहीं है कि किस अस्पताल में कितने बच्चे मरे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, ये पूरी राष्ट्रीय समस्या है। मातृ मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टिलिटी, शिशु मृत्यु दर, ये एक चुनौती है और इस चुनौती को दूर करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर प्रयास हो रहे हैं। और मैंने खुद ने आंकड़े इसीलिए जारी किए, हम किसी पर आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। हमने कहा 2014 में क्या स्थिति थी शिशु मृत्यु दर की, 15 में उससे कम हुई, 16 में उससे कम हुई, 17 में और कम हुई, 18 में भी कम हुई और 19 में जाते जाते हमने और कम किए, 5.6 पे लाए। तो ये जो बच्चे आते हैं ये शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर किन कारणों से होती है, इसका एक कारण नहीं होता, इसके अनेक कारण होते हैं और ये जो समझने वाला आदमी वो समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में बच्चे आए और हमारी नेग्लिजेंस से मर गए, कोई भी नहीं चाहता किसी की जान जाए, एक भी बच्चा जाए तो भी हमारी, हम संवेदनशील सरकार है। और मैं आज भी कह रहा हूँ बार बार, राजस्थान तो चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य है, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की या भाजपा शासित राज्यों की हालत देख लो, 10 जो सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले जो NICU है, बच्चों के वार्ड है जिनमें सर्वाधिक मौतें हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। कहाँ 55-56% मौतें हुई है और लास्ट गुजरात में 25% तक मौतें हुई, हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करोगे 7% है। इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो गुजरात में भी कोई पॉलिटिक्स नहीं की, जब हमसे ज़्यादा संख्या बच्चों की मौत की वहाँ निकल गया आंकड़ा, तो उसके बाद चैनल वालों ने बंद कर दिया स्टोरी चलाना, उनको सिर्फ राजस्थान में राजनीति करनी थी। और ये क्यों की है ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि NRC का विरोध हो रहा है, 3 लाख लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और शांतिपूर्वक हो गया, एक पत्थर नहीं फिका। और गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में अशोक गहलोत एकमात्र मुख्यमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ICU में चले गई इस मुद्दे पे घेर रहे हैं, देश के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं इस पे घेर रहे हैं, बेरोजगारी बेताशा बढ़ रही है इस पे घेर रहे हैं,
और महंगाई जो सातवें आसमान पर पहुंच गई उस पर घेर रहे। मूल मुद्दे यही है, जनता जनता सरकारें बनाती क्यों है और ये बेईमानी कर रही है बीजेपी, मोदी और अमित शाह, जो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी पुलवामा की बात करते हैं, कभी धारा 370 की बात करते हैं, कभी अयोध्या में राम मंदिर की बात करते हैं, और अब बात कर रहे हैं CAA और NRC। पेट भर जाएगा क्या गरीब का इससे? देश में बेरोजगार को रोजगार चाहिए, गरीब को पेट में रोटी चाहिए, उद्योग धंधे बर्बाद हो रहे हैं, देश की इकोनॉमी आईसीयू में चले गई। इन मुद्दों से ध्यान हटाओगे? जो 2014 में सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने बात की थी देश की जनता से, जो विश्वास दिलाया था, आज उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे वो। और हालात इतने खराब हैं देश के, व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए देश की इकोनॉमी पे, इनको श्वेत पत्र जारी करो, तब आपकी असलियत से देश वाकिफ होगा। तुम देश को कहां ले गए घर तुम्हें? एक आरोप लगाया फिर मायावती ने और बीजेपी दोनों ने, प्रियंका गांधी जी जयपुर आई उसको कोटा से जोड़कर देख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। मायावती जी खुद तो कहीं जाती नहीं है, अब प्रियंका गांधी जी का टूर प्रोग्राम भी वो बनाएंगी? प्रियंका जी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है ये प्रियंका जी तय करेगी, मायावती जी नहीं करेगी। मायावती जी को कहीं जाना है उसका फैसला उनको करना चाहिए, वो गुजरात जाना चाहती है या उत्तर प्रदेश के जिन अस्पतालों की हालत खराब है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चे मर गए, वो अलग कारण है, तो उन पे वो मायावती जी जाना चाहें तो स्वागत है उनका, जाना चाहिए उनको। लेकिन दूसरे आदमी पर आप सवाल उठाने वाले होते कौन हो, कौन कहाँ जाएगा, इसका फैसला व्यक्ति खुद करता है न कि मायावती करती है। रोजाना ट्वीट करके घेरने की कोशिश हो रही है, एक तरह से प्रायोजित राजनीति नहीं नजर आ रही आपको? वही, वहाँ पे नरसंहार हुआ भी CAA को लेके, NRC को लेके, सैकड़ों बेगुनाह लोग, गरीब लोग मारे गए और स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी में मारे गए। बीजेपी की सरकार है, वहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी हुई और इसलिए मारे गए वहाँ। उन परिवारों से मिलने, उनका दुख बांटने प्रियंका गांधी जब वहाँ जा रही है, तो ये पेट में दर्द क्यों हो रहा नेताओं के? आपको किसने रोका? आप भी जाइए। तो प्रियंका जी जितना गरीब लोगों से घुल मिल रही है, उनके सुख दुख में भागीदार बन रही है, उससे तकलीफ स्वाभाविक है। आप खुद जाएंगे नहीं और दूसरे को जाने से रोकेंगे, पचेगा नहीं वो बात आपके, तो इन सवालों का पब्लिक भी समझती है हालात क्या। भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया और बाकी लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के बयान ज़्यादा तलखी भरे थे, ज़्यादा उन्होंने फोकस किया आपके ऊपर आरोप लगाने में, जबकि खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो। इसी कोटा अस्पताल में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री हूँ, ये मेरी कोई सुन नहीं रहा है। इतनी लाचारी का बयान रघु शर्मा ने नहीं दिया है। और दूसरी बात, वहाँ जोधपुर में कितना बड़ा पाप हुआ 2014 में, 159 लोगों को ऊंट के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिए। आज खुद की अकाउंटेबिलिटी जनता जानती है अच्छी तरह से, आप कितने बड़े परफॉर्मर रहे हो, आप भी इसी विभाग के मंत्री रहे हो और मुझे भी ये काम करने का मौका मिला। कभी भी तुलना करेगी तो पब्लिक करेगी। आज मैं कुछ भी कहूं मेरे लिए, मैं तो ये कर रहा हूं। चलिए रुकिए।